बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग। हाँ जी, तो मैं आई हूँ अपने छोटे गोदाम में। मैंने कहा कि नेटवर्क ने दिमाग की ऐसी तैसी कर दी है, सोशल मीडिया पर जो है एक क्या बोलूँ क्या प्रॉब्लम है, एक काले बादल छाए हुए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और आज कट पीस का लाइव करना था, वो भी हम लोग नहीं कर सके। आप लोग को कुछ दिखाना है मुझे, आप लोग का हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट का जो प्रोसीजर है, जो तरीके कार है काम का, वो दिखाना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट माशाल्लाह बहुत भरमार से जमा हो गए और उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से ऑर्डर करना है, क्या प्रोसीजर है। हम लोग को फुर्सत मिलती नहीं है अब जो है ना कि वीडियो बनाकर हम शेयर करें। इस वक्त जो है अभी हम लोग समझो कि क्या, जब नेटवर्क बंद होता है, ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है, तो कुछ हमको टाइम मिल जाता है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम मिला मैसन के साथ। मेरा काम ज़्यादा, मैं छोटे गोदाम पे आती नहीं हूँ, लड़कों से जो करवाना होता है वो करवाती हूँ, बाकी जो अपना जो पार्सल वगैरह होल्ड है उनका काम होता है, यहाँ की सफाई वफाई सब लड़के कर लेते हैं। तो बहरहाल आज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। सम टाइम ऐसा होता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरे ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप लोगों की सोच होगी इतना ज़्यादा मेरे ऊपर काम का लोड रहा। आप देख रहे हो हशर यहाँ पर छोटे गोदाम में आकर, एक्चुअली यहाँ पर एसी नहीं है हमारा, जो जेन्युइन बात है, यहाँ एसी नहीं है, और यहाँ पर रुकना हमारे लिए वबाले जान हो जाता है। यहाँ का काम हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम लोग फुल टाइम रहते हैं वहाँ पर अपने ऑफिस में, तो यहाँ पर हम लोगों को बड़ी जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी सिर्फ मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, मैं अंदर गई नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही अंदर चलूँगी। तो हशर देखो, अभी पसीने पसीने हो गई हूँ मैं, अभी मैं शावर लेकर ऑफिस पहुँची थी, दो चक्कर मैं ऑफिस के लगा चुकी हूँ अभी तक। और मतलब इन शॉर्ट ये कि हम लाइव नहीं कर सके, लेकिन हम अपने काम निपटा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे इंटरनेशनल पार्सल जो है वो किस तरह से रखे जाते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि कुछ बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं, उसकी डिटेल मैं बाद में बताऊँगी। कुछ हमारे न्यू क्लाइंट्स के लिए भी ये मैसेज है, और कुछ हमारे जो पुराने क्लाइंट हैं तो उनको भी एक नज़र दिखा दूँ, उनको एक झलक दिखा दूँ, ताकि वो तसल्ली मार जाए। देख लीजिए अपना माल को हसन बेटा, मैं अपनी ज़िम्मेदारी अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी हर तरीके से पक्की प्रॉपर जो है ना निभाऊँ, लेकिन समटाइम। हाँ जी, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना गोदाम, जहाँ आप लोगों की अमानतें मेरे पास होल्ड हुई हुई हैं, और वो यहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ का स्टॉक हमारा सारा ऑफिस जा चुका है, डायनर्स ऑफिस जा चुका है, डायनर के ऑफिस में सारा स्टॉक पहुँच चुका है। फिलहाल स्टिच स्टॉक जो यहाँ पर हमारा अनस्टिच पड़ा हुआ था, ये देखिए यहाँ से फिलहाल सारा निकल चुका है हमारा, डायनर ऑफिस चला गया। इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में मजीद स्टिचिंग आ जाएगी, स्टिचिंग का स्टॉक हमारा ऊपर पड़ा है। बाकी मैं कैमरा बैक करती हूँ, ये देखिए जी यहाँ पूरा खाली हो गया फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी लड़कों ने यहाँ पर साफ कर दिया, सारा स्टिच स्टॉक चला गया है। अच्छा जी, ये रही आप लोगों की अमानतें, ये रही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की वो दी हुई इज्जत, जो अल्लाह ने मुझे इन 8 सालों में जिस इज्जत से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से नवाजा है, वो है ये। ये हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट है। हाँ बेटा आ रही हूँ, 2 मिनट वीडियो बना रही, 2 मिनट। तो ये है हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पार्सल बंडल, वो पेमेंट लगा देते हैं जो भी तरीके। ये देखिए जी, तो ये होता ये है कि पेमेंट जो आप लोगों की जो पेमेंट्स होती हैं, वो पेमेंट्स आप लोग एडवांस लगा दो, और एडवांस लगाने के बाद जो है वो पेमेंट मतलब इस तरह से बंडल आप चाहो हमारे पास होल्ड करना, आप होल्ड कर सकते हो, आप चाहो डिस्पैचिंग करवाना डिस्पैच करा सकते हो। हमारे पास डेली बेसिस पर पार्सल डिस्पैच हो रहे होते हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि पार्सल हमारे पास ही होल्ड रखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप जब दिल चाहे अपना पार्सल मंगाओ, छोटा मंगाओ, बड़ा मंगाओ, पर चूंकि आप लोगों को डीसी बहुत ज़्यादा लगती है, दैट्स वाई जो है ना पार्सल हमारे पास इस तरह से यहाँ पर होल्ड रहते हैं। आप चाहो तो इसको होल्ड रखना है, आप होल्ड रख लो, आप चाहो तो डिस्पैच करवा लो। सेकंड वन ये आ गया, हाँ सारे आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो सारी कॉमेडी करता हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि पार्सल के तरीके कार है, यहाँ पर हमारे तमाम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पार्सल पड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये आप लोगों की अमानत है, और मैं अगेन अगेन ये बात कहती हूँ कि ये आप लोगों से ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी है। वजह ये, आप लोग पे कर चुके हो, आप लोगों ने पेमेंट कर दी, आप लोग अल्लाह के यहाँ जवाब देने, आप लोग पेमेंट कर चुके हो, आप लोग अल्लाह के यहाँ जवाब देनी हो, जवाब दे मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की अमानत ये पड़ी हुई है, ठीक है। अल्लाह ना करे इसमें से कोई भी एक चीज़ ऊपर नीचे होती है, और ये लाखों रुपए का माल है, ऐसा नहीं है कि ये 100, 200, 300, 1000, 10000, 15000 का माल है, यहाँ पर ये लाखों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या हुआ बेटा, सब बाहर क्यों खड़े हो? तो ये लाखों रुपए का माल है जो यहाँ पड़ा हुआ है, रखा हुआ है,
और मेरी कोशिश है कि मैं इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूं। यहाँ पर लॉक लगता है इस तरह से, ये आपकी अमानत हमारे पास इस तरह रखी हुई है, ठीक है। तो ये तरीकेकार हमारा होता है और काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली थी। मैंने कहा पता नहीं आप लोगों को, मतलब ज़ाहिर है इंसान है, इतनी दूर है, आप लोग ये समझो कि पता नहीं हमारा स्टॉक कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आया, और मतलब अब तक क्यों नहीं आया, ऐसी बात नहीं कि स्टॉक कहाँ है, अब तक वीडियो मतलब काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली। जब हमारे बराबर वाले गोदाम में स्टॉक होता तो लाइव में अमूमन आप लोगों के बंडल्स नज़र आते थे, लेकिन अब आप लोगों को नज़र नहीं आते होंगे क्योंकि वो इस गोदाम में। हमको यहाँ कुछ रेनोवेशन करानी थी, इसीलिए मैंने जैसे कि बताया कि मैं अल्लाह के यहाँ जवाब दे हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि अगर इसमें से एक चीज़ भी ऊपर नीचे हुई। मैं लड़कों को यही बात कहती हूँ, बहुत आराम से बहुत ध्यान से इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी मेरे स्टॉक पे कुछ भी आँच आती है तो वो आ जाए, लेकिन इन पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि इनकी पेमेंट्स हुई हुई है। तो मेरी अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन यही होती है और उसी वजह से हम लोग अपनी भरपूर हमारी हम जितना कर सकते हैं हम कोशिश यही रहती है कि हम इसको बाहिफाजत स्टॉक को अपने पास रखें। या आप लोग की अमानत हमारे पास है, जब आप बोलते हो हम डिस्पैच कर देते हैं। मजीद स्टॉक डेली बेसिस पे यहाँ पर जमा होता जाता है, नहीं आता जाता है, जाता जाता है जमा होता जाता है। मतलब एक नज़र मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, ये देखो ये पार्सल बनते जाते हैं। अब ये भी जाने वाला है, ये भी निकलने वाला है, ये किसके, श्री एंटी के ही जाने वाले ना, श्री एंटी के ही वाले दोनों बंडल जाने वाले हैं। ये देखो ये जाने वाले इस तरह, और फिर श्री एंटी का ये दो बंडल जाएंगे, दोबारा एक और बंडल, दूसरा बंडल ऊपर आ जाएगा इस तरह। और छोटे छोटे फ्लायर जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ये उधर रख दिए जाते हैं, उधर वाले मतलब गोदाम पे होते हैं ना, तो वो वाला गोदाम भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें भी फ्लायर शॉप पर रखे। रेनोवेशन जो हमको करानी थी वो हम नहीं करा सके, वजह आप लोगों को पता है जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से नहीं करा सकते करा सके। अदरवाइज यहाँ शेल्फिंग होनी थी, कलर वगैरह होना था, वॉलपेपर लगने थे, वो सारा काम हमारा पेंडिंग हो गया। अब हमारा खुद का काम स्टार्ट हो गया तो अभी फिलहाल हम लोग इस तरफ जा नहीं सकते। तो बहरहाल इस तरह से मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया लाइफ में आप लोगों को अपने बंडल्स नज़र आते हैं, और अभी जब से ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो आप लोगों को नज़र नहीं आते। मैं वक्तन फवक्तन जब टाइम मिलता है वीडियो डाल देती हूँ, इसीलिए आज भी मैंने वीडियो डाल दी। एक्चुअली यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ तो यहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं जाता। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस अपने, और आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी अमानत जैसी थी वैसी है, अभी तक वैसी आपकी रखी हुई है। जिनके बंडल जा चुके हैं वो जा रहे हैं, जिनके रुके हुए हैं वो रुके हुए हैं। जब तक वो मतलब रुके हुए तो बहुत मतलब एक आध कोई क्लाइंट होता है जिनके बंडल्स कम स्पीड में जाते हैं, अदरवाइज सारे क्लाइंट के बहुत स्पीड में बंडल जा रहे होते हैं। कोई एक आध होता है जो मतलब होल्ड करके रखता है कि अभी रुको फिर अब डिस्पैच कर दो, अब रोक दो, अब डिस्पैच कर दो। तो जो उनका सहूलत, जाहिर है हर बंदा अपनी सहूलत से करता है काम, कि जो उनकी सहूलत होती है हम लोग उस तरह उसको फॉलो। तो क्लाइंट्स के बंडल इस तरह यहाँ पर जमा होते जाते हैं, निकलते जाते हैं। डेली बेसिस पे 3 से 4 बंडल निकल रहे होते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे 3 से 4 बंडल आ भी रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये खाली नहीं होता, इसी तरह भरता जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि वहाँ से यहाँ तक की थकियाँ यहाँ वाले रूम में ऊपर तक चली जाती है ना। फिर मतलब अभी जस्ट कोरियर बंद था तो यहाँ तक ऊपर चली गई थी, अब कोरियर खुल गया अलहमदुलिल्लाह ईद के बाद। तो ईद के बाद से जो पार्सल निकले हैं यहाँ के बंडल निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला तो खाली हो गया, अभी वो वाले की भी डिस्पैचिंग चली रही है। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी जा रही हूँ मैं ऑफिस, और फिर देखते हैं क्या वजह भी है।